राधे राधे दोस्तों, आज चुगल किशोरी जी नहीं है तो हम ही आ गए टीवी की दुनिया की ढेर सारी चुगलियां लेकर। अब आज जहां अनुज को श्रुति की असलियत का पता चल जाएगा, वहीं ये रिश्ता में एक बार फिर अरमान और अभीरा होंगे आमने सामने। तो गुम है किसी के प्यार में बढ़ रही हैं सभी और सही की नज़दीकियाँ। तो ये तो थी आज टीवी की दुनिया की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन टीवी के अंदर की पूरी खबर जानने के लिए सबसे पहले कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अब चलिए बिना किसी देर के पहले चलते हैं अनुपमा के घर शाह हाउस में, जहां ट्रूथ एंड डेयर में अपना भांडा फूट जाने के डर से श्रुति पेट दर्द का बहाना बनाकर होटल भाग जाती है। तो उसके साथ उसका ख्याल रखने के लिए अनुज भी चला जाता है। अब डिम्पी की शादी में मामा की रस्म के लिए अनुपमा अपने भाई भावेश को लेकर आई है, जिसे देखकर डिम्पी बेहद खुश है। घर में शादी का माहौल है तो श्रुति को ये भी डर सता रहा है कहीं उसका सच अनुज के सामने ना आ जाए। वहीं दीपू को पता चल गया है कि क्रॉकरोच कांड की मास्टरमाइंड श्रुति थी, और अब वो अनुपमा से सवाल करता है कि क्या उसे नहीं लगता कि श्रुति को सजा मिलनी चाहिए। जिस पर अनुपमा कहती है कि बात सिर्फ श्रुति की नहीं है, बात अनुज और उसकी छोटी की भी है, वो उन दोनों को दुखी नहीं देख सकती। लेकिन अनुपमा और दीपू की ये बातचीत अनुज सुन लेता है, और अब कल आप देखेंगे कि सच जानने के बाद अनुज आग बबूला हो गया है और वो श्रुति से हर रिश्ता तोड़ देगा, उसे सगाई की रिंग भी लौटा देगा, जिस पर श्रुति कहेगी कि एक गलती तो माफ हो सकती है, लेकिन अनुज सिरे से इनकार कर देगा। अब आप देखेंगे कि श्रुति अनुपमा को छोटी के सर की कसम देगी और कहेगी कि वो कसम खाकर बोले कि वो आज भी अनुज से प्यार नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ पोदार हाउस में अरमान वापस तो आ गया है, लेकिन उसकी बदहवास हालत देख उसकी माँ विद्या समेत सभी घर वाले बेहद परेशान हैं। अब आज आप देखेंगे कि अरमान को रूही ये बताने के लिए कॉल करती है कि उसके पास अभीरा आई थी, लेकिन अरमान बिना नंबर देके रूही को अभीरा समझकर उससे कह देता है कि उसने सिर्फ अभीरा से प्यार किया है। इस पर रूही का दिल एक बार फिर से टूट जाता है। जैसे अरमान को पता चलता है कि कॉल पर अभीरा नहीं रूही है, उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे बहुत पहले ही अभीरा को सब सच बता देना चाहिए था। इस पर रूही कहती है कि सिर्फ अभीरा को ही नहीं, उसे रूही को भी बता देना चाहिए था। अरमान रूही से पूछता है कि तुम ये दर्द सह कैसे रही हो, मुझसे नहीं हो रहा है। इस पर रूही कहती है कि तुम भी इस दर्द की आदत डाल लो। अरमान की हालत देखकर सभी घर वाले खासकर विद्या बेहद परेशान है। अरमान की हालत देवदास जैसी हो गई है, ना उसे खाने का होश है ना सोने का। ऊपर से दादी सा ने अरमान को ऑफिस भेजने का फैसला भी ले लिया है। अरमान बदहवास हालत में ऑफिस जाने के लिए आता तो है, लेकिन उसकी हालत किसी से भी देखी नहीं जा रही। बेटे की ऐसी हालत देखकर विद्या माधव से अरमान के बारे में बात करने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ ना तो उसे माधव मिलता है और ना ही अभीरा मिलती है, लेकिन उसके सामने उसका अतीत आ जाता है। विद्या को पता चल जाता है कि माधव अभीरा के साथ शिवानी यानी अपनी पहली पत्नी के घर में रह रहा है। अब ये जानकर विद्या मायूस हो जाती है और उदास हालत में घर वापस लौटती है। अब आज के एपिसोड में आप आगे ये भी देखेंगे कि लूटे पीटे हाल में अरमान कोर्ट पहुंचता है, जहां उसे अभीरा मिल जाती है, क्योंकि अभीरा भी यहां अपने बार काउंसिल के लाइसेंस के लिए आई है। ऐसे में अरमान अभीरा का आमना सामना होता है, जहां अरमान अभीरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अभीरा उस पर भरोसा करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में अरमान अभीरा से कहता है कि वो अभीरा का इंतजार 7 जन्म तो क्या, 700 जन्म तक करने को तैयार है। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि विद्या की खातिर माधव घर तो आएगा, लेकिन साथ में अभीरा को भी लाएगा। ऐसे में अब सीरियल में आगे क्या होगा ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी और सही की नज़दीकियां धीरे धीरे बढ़ तो रही हैं, लेकिन सही के पिता रजत के तेवर और एरोगेंस देखकर सभी हैरान है। अब जल्द ही सभी और रजत का सामना होगा, जहां सभी रजत से सही को लेकर बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन रजत उसे ये कह देगा कि उसके खुद के बच्चे नहीं हो सकते, तो दूसरों के बच्चों पर हक भी ना समझे। अब ऐसे में आगे इन दोनों की कहानी कैसे एक पटरी पर आती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खैर आज बस इतना ही, कल मिलते हैं कुछ और नई चुगलियों के साथ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे।